सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि गूगल पे में बिना एटीएम कार्ड के बैंक अकाउंट कैसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है गूगल पे में बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बिना एटीएम कार्ड के जो है आप गूगल पे में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको गूगल पे ऐप को अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। और मैं आपको बता दूं, आपको जो है मोबाइल नंबर से साइन इन कर लेना है। जो मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर से जो है आपको सबसे पहले साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ऊपर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, देख सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको काफ़ी सारे बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपका जो है बैंक अकाउंट किस बैंक में है। आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे बैंक का नाम यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे हम सर्च कर लेता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ चुका है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिम वन और सिम टू का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सिम वन में है या सिम टू में है। जैसे कि मेरा सिम टू में है तो हम सिम टू को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट का, देख सकते हैं, तो आपको जो है स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एटीएम कार्ड का जो है लास्ट का 6 डिजिट नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे जो है आपको एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर यहाँ पे डालने का ऑप्शन मिल जाता है एटीएम कार्ड का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, वही आप यहाँ पे सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका भी एक तरीका है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एटीएम कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप जो है कैसे गूगल पे में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे आपको बैक चले आना है। उसके बाद जो है आपको गूगल प्ले स्टोर आपको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है भीम। जैसे ही आप भीम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है भीम का ऑफिशियली ऐप यहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तो हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिम वन और सिम टू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सिम वन में है या सिम टू में है। आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करेगा इस एप्लीकेशन में, देख सकते हैं यहाँ पे जो है दो में ग्रीन टिक लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे तीनों में जो है ग्रीन टिक लग चुका है और यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पासकोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों में सेम पासकोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि जो है अगर आप इस एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करेंगे तो आपसे पासकोड मांगा जाएगा 4 अंक का, तो आपको यहाँ पे पासकोड डाल देना। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 अंक का कोई सा भी पासकोड डाल देता हूँ। पासकोड डालने के बाद जो है नीचे आपको राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जो भी आपका जो है बैंक अकाउंट जो भी बैंक में है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम इस बैंक अकाउंट को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो है आपको UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आधार नंबर से यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको ऊपर पे बैंक का नाम यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फॉरगेट UPI पिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम सेट UPI पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, डेबिट कार्ड और आधार नंबर। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप जो है यहाँ पे आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है।
फिर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको आधार कार्ड के लास्ट का जो है यहाँ पे 4 डिजिट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं आपके आधार कार्ड का जो लास्ट का जो है 4 अंक है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप जो है आधार कार्ड के लास्ट का 4 अंक डाल देंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव हो जाएगा। जो मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हो जाएगा, और उस OTP को डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको UPI पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको UPI पिन सेट कर लेना है। जैसे ही आप UPI पिन सेट कर लेंगे और उसके बाद जो है आप गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्च कर लेता हूँ, और उसके बाद जब आप गूगल पे ओपन करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जो है आप इंडिया पोस्ट पेमेंट जो भी बैंक अकाउंट आपका होगा यहाँ पे आप ऐड करेंगे, और चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ATM कार्ड का जो ऑप्शन आता है कि ATM कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे जो है आपको ATM कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा जब आपका जो है UPI पिन भीम एप्लीकेशन के अंदर सेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ATM कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मांगेगा। तो आप कुछ इस तरीके से गूगल पे में बिना ATM कार्ड के जो है आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।